तो बेटे ऐसा है कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रहे थे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के हेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तो उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठा रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, और आपको बेटे ये मिलेगा पेज नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है, मैसर्स पार्कर एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू बोरो, मतलब यार बोरो करना है पार्कर एंड कंपनी को, और बोरो कितना रुपए करना, 60 करोड़ रुपया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के लिए, इन द कमिंग 6 मंथ टाइम फ्रॉम नाउ। अच्छा, सिचुएशन क्या जरा देख लेते, टेक्निकल क्वेश्चन हो गया ये तो। ये है आज, और आज से 6 महीने बाद, और कितने मंथ के लिए बोरो करना है, 3 मंथ्स के लिए, ये बात लिखी हुई है। किसको, मैसर्स पार्कर एंड कंपनी को, ठीक है। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर है, ठीक है भाई, इसको क्या करना है बेटे, बोरो 2 बोरो किसी बैंक से बोरो करना होगा। अभी रेट कितना चल रहा है, अभी चल रहा है कितना बेटे, 9%। देखा जाए तो वो किसी काम का नहीं है, हाँ, लेकिन पक्का इस पार्कर एंड कंपनी को तो डर होगा, और डर किस बात का होगा कि रेट बढ़ना चाहे, तो बट इट मे गो अप इन 6 मंथ टाइम, और उसको ऐसा लग रहा है कि मे गो अप, बढ़ सकता है 6 माह में, 6 माह बाद यहां बढ़ सकता है। द कंपनीज बैंकर कोट FRA, इधर कोई FRA बैंक होगी, नाम नहीं बोला है, तो इसको मैं लिख देता हूं FRA बैंक, और कितने परसेंट पे ऑफर किया, 9.30% पर एनम। इसको किस बात का डर है, रेट बढ़ने का, ठीक है। तो ये पार्कर एंड कंपनी क्या करेगी, बाय करेगी FRA लॉन्ग पोजीशन, बढ़ेगा तो फायदा, इधर से डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसको बोरो करना है, तो FRA बैंक बोल रही है कि पार्कर एंड कंपनी आप टेंशन मत लो, आपको 6 माह बाद, ये 6 माह बाद इस बैंक से अगर ज्यादा रेट हो जाएगा तो चिंता मत करो, हम आपको डिफरेंस दे देंगे। अगर रेट कम हुआ, 9% हुआ, तो बोले फिर आप डिफरेंस हमको दे देना, यही कॉन्सेप्ट है इसका पूरा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ FRA एंड एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कंपनी, दो चीजें हैं, एक इफेक्ट ऑफ FRA बोल रहा है और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कंपनी, इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, मतलब यहां क्या रेट हो सकता है, 9.6% एंड 8.80%। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 9.6%। तो दो चीजें मुझको बताना, आप थोड़ा सा यहां लिख भी सकते हो, ज्यादा अच्छा है, अगर मैं थोड़ा सी बातें लिख दूं तो भी चल जाएगा, तो ऐसे कर सकते हो, लिखोगे मैसर्स पार्कर एंड कंपनी
मैसेस पार्कर एंड कंपनी बाय FRA एट द रेट कितने परसेंट पे ऑफर है आपको? 9.3% पर है ना, बिकॉज पार्कर एंड कंपनी एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में गो अप, उसको ऐसा लग रहा है कि रेट बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? बाय। अगर मैं बाय की बात करूंगा तो रेट बढ़ेगा तो हमको फायदा होगा, इट मीन्स सीधी सीधी बात है, इसको बोल सकता हूं लॉन्ग पोजीशन या अपसाइड बेटिंग। अपसाइड बेटिंग, बाय का मतलब अपसाइड बेटिंग। अब काम करते, उसने कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए 9.6%, यहां कर लेते हैं पॉइंट नंबर वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो जाए 9.6%। तो दो चीजें पूछा है उसने, पहला क्या बोला है? इफेक्ट ऑफ FRA, अब सवाल यह है कि कौन किसको देख? बाय FRA मतलब मैं चाहूंगा कि रेट बढ़ जाए, लॉन्ग पोजीशन है, कितने से ज्यादा बढ़े? 9.3% से हो कितना गया? 9.6%, मतलब पार्कर एंड कंपनी जीत गई, तो पार्कर एंड कंपनी को डिफरेंस मिल जाएगा। ये एक लैंग्वेज हो गई। दूसरी लैंग्वेज ऐसे समझ लो कि यार इधर रेट कितना हो गया, 9.6% हो गया, तो भाई मुझे तो मजबूरी में यहां से 9.6 के हिसाब से बोरो करना पड़ेगा, पर इस बैंक ने बोला था कि 9.3 से ऊपर जाएगा, तो पार्कर एंड कंपनी आप हमसे डिफरेंस ले लेना। तो बस इफेक्ट ऑफ FRA में सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि कौन किसको देगा, तो लिखेंगे इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन FRA बैंक विल पे टू मैसर्स पार्क एंड कंपनी और नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालते हैं, नेट सेटलमेंट अमाउंट। लोन अमाउंट कितने का था भाई? लोन अमाउंट तो लिखा ही नहीं मैंने, चेक करो क्वेश्चन में, 60 करोड़ रुपए। कितना आएगा? 60 करोड़। साठ करोड़ इंटू डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? डिफरेंस सर 9.6 माइनस 9.3% कितने मंथ का बेटे? जो यहां मिलना चाहिए था वो यहां में ना, मतलब ये देखा जाए तो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट का रेट है 9.6% माइनस 9.3% इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से होगा बेटे? यहाँ रेट कितना हो गया? 9.6 हो गया भाई इस डेट में, तो एक्चुअल में रेट ये हो गया, तो इसी परसेंट से डिस्काउंट होगा। अच्छा अगर मैं कहता हूं डिस्काउंट कितने परसेंट से, तो यहां ब्रैकेट में बता देता हूं, 9.6 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1,
तो यह जाएगा 9.6 इंटू 3 बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये आएगा 1.024। ठीक है, तो अब देख लेते कितना आ रहा है डिफरेंस, 9.6 माइनस 9.3, तो 0.3%, 60 करोड़ इंटू 0.3% इंटू 3 बाय 12 डिवाइडेड बाय 1.024। तो अच्छा करोड़ में है तो इंटू, तो आंसर आ गया बेटे रुपीस 439453। बात खत्म, आप करोड़ में तो उसको मैंने चेंज कर लिया, 439453 आंसर आ गया, 60 करोड़ को यहां जो भी आंसर आया उसको करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कौन किसको देगा बेटे, सीधी सी बात है, यहां एफआरए बैंक देगी पार्कर एंड कंपनी को, ये डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा इसी के अंदर दूसरा आपसे पूछा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कंपनी, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कंपनी। अब इसको आप दो तरीके से बता सकते हो, अमाउंट में भी बता सकते हो, सीधा सीधा भी बता सकते हो। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, इसमें कुछ है नहीं है कि भैया पार्कर एंड कंपनी यहां से उधार लेंगे, देना तो पड़ेगा 9.6, पर एफआरए बैंक से कितना मिल जाएगा डिफरेंस, 0.3%। तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट पेड टू बैंक 9.6% माइनस डिफरेंस इन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एफआरए बैंक से कितना मिल जाएगा हमको, 0.3%। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बनेगा, सर आपका तो 9.3% ही बनेगा, दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कंपनी। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आगे क्या बोला हुआ है, आगे ये बोला है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए 8.8% पर एनम, दूसरी कंडीशन बोला है अगर हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना हो जाए बोल रहा है 8.8% पर एनम, 8.8% पर एनम। तो यहां अब 9.6 नहीं हुआ बिट, यहां हो गया 8.8%। पार्कर एंड कंपनी का खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इस बैंक से उधार लेगी तो 8.8% पे उधार मिल जाएगा। तो एफआरए बैंक बोलती ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 8.8 तो आप इधर लीजिए उधार, हाँ जो डिफरेंस होगा वो मुझे देना पड़ेगा, मतलब 9.3 माइनस 8.8 बेटे 0.5% पार्कर एंड कंपनी को एफआरए बैंक को देना पड़ेगा। उसका दो वजह मैंने आपको एक तो ये बताया, दूसरी वजह बड़ी सिंपल है, आपने क्या किया था अपसाइड बैटिंग, बढ़ेगा किससे बढ़ेगा 9.3% से बढ़ेगा, पर कम हो गया मतलब पार्कर एंड कंपनी आप हार गए हो, और आप हार गए तो आपको लॉस हो रहा है, और जितना इसको फायदा हुआ आप उतना पेमेंट उसको कर दीजिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो अब क्या करोगे, एक तो निकालना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ एफआरए, इफेक्ट ऑफ एफआरए कौन किसको देगा, तो लिखोगे इन दिस सिचुएशन मैसर्स पार्क
एंड कंपनी विल पे टू एफआरए बैंक नेट सेटलमेंट अमाउंट कितना आएगा? बता बेटे कितने करोड़ उसका लोन है? 60 करोड़। परसेंटेज 9.3 माइनस 8.8%, 9.3% माइनस 8.8% कितने मंथ का? 3 मंथ का। अब डिस्काउंटिंग किससे होगा बेटे? डिस्काउंटिंग होगा 8.8, क्योंकि इस दिन रेट तो 8.8 हो गया, इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। चेक करो कितना आ रहा, वो फैक्टर नीचे लिख देंगे, 8.8 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये आ गया 1.022। अब देख लेते हैं 9.3 माइनस 8.8 मतलब 0.5%, 60 करोड़ का 0.5% इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 1.022 इंटू 1 करोड़, सो तो ये आ गया 733855। ये तो फैक्टर निकालने के लिए इसकी जरूरत है नहीं, सीधा लिख दिया आंसर 733855। ठीक है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फिर आपसे क्या पूछेगा? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू द कंपनी अब क्या होगा बेटे? इंटरेस्ट अब पार्कर एंड कंपनी इसको पे करेगा 8.8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट पैट टू बैंक, ठीक है, बैंक को तो 8.8 जाएगा, लेकिन 8.8 के अलावा डिफरेंस इधर भी पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेड टू एफआरए बैंक, एफआरए बैंक को पेड करना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब 9.3 माइनस 8.8, तो चेक कर लो कितना आएगा, 9.3 माइनस 8.8, 0.5 ही आएगा भाई, 0.5 और देना पड़ेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा? 9.3% ही तो पड़ेगा यार भाई, फिक्स ही तो हो गया। अगर इधर रेट ज्यादा हो गया तो ये दे देंगे, अगर इधर रेट कम हो तो मैं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9.3 ही पड़ेगा किसी भी हालत में, 9.3 ऐसे भी पड़ेगा, 9.3 ऐसे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 16। अब आगे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं एफआरए का। लिखा है द ट्रेजरर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है भाई, इंश्योरेंस कंपनी और उसका कोई ट्रेजरी मैनेजर, एक्सपेक्ट टू हैव सरप्लस £5 मिलियन 6 मंथ फ्रॉम नाउ। सुनोगे बेटे, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 16 कर रहे हैं ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उसके पास पैसा आने वाला है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास वैसे भी पैसा आता है प्रीमियम वाला जो पब्लिक जमा करती है, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास सरप्लस रहेगा £5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, तो £50 लैक्स सरप्लस रहेगा,
ठीक है सर, किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास। और ये सरप्लस कब रहेगा? 6 मंथ फ्रॉम नाउ, ये आज से 6 महीने बाद ये एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे। सी हैज डिसाइडेड टू पार्क द फंड, पार्क का मतलब इन्वेस्ट, और ये इन्वेस्ट करना चाहती है, वांट्स टू इन्वेस्ट एंड वांट्स टू इन्वेस्ट, या फिर बोला सी हैज डिसाइडेड टू पार्क द फंड इन 3 मंथ। और मालूम है कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथ यूरो स्टेलिंग डिपॉजिट। ठीक है जी, डिपॉजिट करना चाहते 3 महीने के लिए। करंट 3 मंथ डिपॉजिट रेट 9%, करंट वाला रेट हमारे काम का नहीं है। आखिर इसको डर किस बात का है कि आज से 6 महीने बाद रेट कम ना हो जाए? बस यही तो दिक्कत है, अगर रेट कम होगा तो दिक्कत में पड़ जाएगी। और कहां जमा करना? किसी बैंक में जमा करना, किसी बैंकर के पास जमा करना। ठीक है, आगे लिखा अ 6 × 9, कोई FRA बैंक होगी, और 6 × 9 FRA आज से 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, और FRA कोट कितना किया गया? 8.75%। इसका मतलब 8.7, इसको तो इन्वेस्ट करना है ना, तो इसको डर किस बात का? रेट कम होने का, रेट के गिरने का डर, रेट के गिरने का डर। और जिस बात का डर है उससे फायदा उठाना है, मतलब पक्का पक्का ये शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इट मींस रेट गिरेगा अगर मैं यहां जमा करूंगा, और रेट अगर हो गया 7% तो सामने FRA बैंक हमको पेमेंट कर देगी, अगर रेट हो गया 10% तो हम FRA बैंक को पेमेंट कर देंगे, यही वाली बात होगी। द ट्रेजरर सेल्स एन FRA, इसने सेल किया FRA, सेल FRA मतलब कौन सा पोजीशन? शॉर्ट पोजीशन, कम होगा तो फायदा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग रेट्स, वही बात है, कंप्यूट द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट इफ ऑन डे 182, इफ ऑन डे 182 मतलब यहां की बात हो रही है, 182 दिन बाद अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, यहां 6 महीने बाद अगर ये पर्सन इन्वेस्ट करता है तो बताइए रिटर्न कितना होगा? बस इतना है, पर फिर भी क्वेश्चन बोले ना बोले हम लोगों को दो चीजें बताना है, इफेक्ट ऑफ FRA और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर 3 महीने बाद नहीं, द 3 मंथ बेटे सुनना ध्यान से, द 3 मंथ डिपॉजिट रेट मतलब वो बोल रहा है 180 दिन बाद यहां 3 महीने का डिपॉजिट रेट अगर हो जाता है 9.5%, अगर हो जाता है 8%। ठीक है, दो केसेस है अलग अलग, चलो तो काम करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले बार में कितना हो गया डिपॉजिट रेट 9.5%, तो मुझे दो चीजों में आंसर देना पड़ेगा, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ FRA पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, होना क्या चाहिए 8.75% से कम, जबकि यहां रेट कितना हो गया 9.5% हो गया। लो बेटे, मेरा शॉर्ट पोजीशन था पर रेट बढ़ गया, इससे बढ़ गया, तो मुझे इसको देना पड़ेगा किसको? FRA बैंक को। ठीक है, इट मींस मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना 9.5। तो पर बेटे प्रॉब्लम है कि मैंने बात किस पे किया था 8 पॉइंट से, तो मैं ज्यादा खुश नहीं होगा, मुझे डिफरेंस इधर भी देना पड़ेगा। ठीक है, भले इफेक्ट ऑन FRA बता देता हूं मैं आपको, कौन किसको पेमेंट करेगा? सर ये बैंक है FRA बैंक, यस, और वो अब की बार इसको पेमेंट करेगी, इसका नाम कुछ है क्या? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, तो अब यहां लिख रहा हूं
इन दिस सिचुएशन? इन दिस सिचुएशन एफआरए बैंक विल, नहीं एफआरए बैंक पेमेंट नहीं करेंगी, गड़बड़ हो रहा है बेटे, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी एफआरए, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन था। तो इन दिस सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू एफआरए बैंक। चेक करते सेटलमेंट अमाउंट कितना आएगा। सेटलमेंट अमाउंट, लोन कितने का था, नोशनल पाउंड 50 लाख, कितना डिफरेंस आएगा 9.5% माइनस, कितने पे बात हुई थी 8.75%, कितने मंथ का 3/12, क्योंकि 3 महीने के लिए है, पर मुझे क्या लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। यहां क्या रेट हो गया था 9.5, तो 9.5 के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। इट मीन्स 9.5 × 3/12 / 100 + 1, 9.5 × 3/12 / 100 + 1, तो ये आ गया 1.02375। ठीक है सर, कितना आ रहा है जरा देख लेते, अब यहां कितना है 9.5 − 8.75 0.75%। ठीक है, तो अब आ जाएगा 50 लाख × 0.75% × 3/12, तो ये आ गया 9375 × 1.02375 / 1.02375, तो आंसर आ गया बेटे £9157.51। एक तो ये बताना पड़ेगा कि कौन किसको देना पड़ेगा, और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने की कमाई इफेक्टिव, इफेक्टिव अर्निंग्स टू इंश्योरेंस कंपनी को कितने की कमाए, इधर से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 9.5% माइनस डिफरेंस पे टू एफआरए बैंक, हमको एफआरए बैंक को डिफरेंस पे करना पड़ेगा, कितना 9.5% माइनस 8.75%, तो ये कितना आ गया 0.75, तो ये लो 9.5 − 0.75, तो आंसर कितना आएगा 8.75% आएगा। सर जब यही आना है, यही तो आता है हमेशा आंसर, तो डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि नहीं बेटे हमको बताना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो ये था केस नंबर 1, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 9.5%। केस नंबर 2 बोला, केस नंबर 2
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो जाए 8%, इसका मतलब यहां 9.5 की जगह कितना हो जाए 8%। हमारा क्या था, डाउनसाइड बेटिंग, और वाकई कम हो गया, तो अब की बार हमको मिलेगा, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में भैया, सामने वाले ने गारंटी दे रखा था कि 8.75% मिलेगा, पर इधर से तो हमको 8 ही मिलेगा, तो बचा हुआ 0.75% एफआरए बैंक हमको देगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख ले, इफेक्ट ऑफ एफआरए, अब की बार कौन किसको पैसे देगा, तो लिखते हैं इन दिस सिचुएशन, एफआरए बैंक विल पे टू इंश्योरेंस कंपनी कितना आ रहा है नेट सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट कितना है £50 लाख, रेट कितना हो गया, रेट होगा 8% माइनस 8.75% इंटू 3/12। अब यहां फैक्टर कौन से रेट का लेना पड़ेगा, जो रेट यहां हो गया, मतलब कितना रेट हो गया 8%, तो 8% का 3 महीने का फैक्टर 8% 8 × 3/12 / 100+1, देख लेते हैं 8 × 3/12 / 100+1 1.02, तो अब निकाल लेते हैं अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा कितना आ रहा है देख लेते हैं, तो आएगा यार 0.75% है ना, 50 लाख, 50 लाख इंटू 0.75% इंटू 3/12 / 1.02, तो ये आ गया बेटे 9191.18 pound ये पे करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या मांगेगा, इफेक्टिव अर्निंग या इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते, टू इंश्योरेंस कंपनी को इफेक्टिव अर्निंग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखो इधर से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 8% प्लस डिफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम एफआरए बैंक से हमको कितना मिल जाएगा 0.75, तो देखा जाए तो यहां भी कितना आ जाएगा 8.75%, ये दोनों हमने निकाल कर बता दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे जो कर रहा है वो है, और एक है क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है और हमारी बुक में मिलेगा पेज नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 16 क्या लिखा हुआ जरा देखते, लिखा टीएम फिन कॉरपोरेशन हैज बॉट, बॉट का मतलब बाय, मतलब लॉन्ग पोजीशन अपसाइड बैठे, आपने बाय किया है 6×9 एफआरए कितना परसेंट,
5.25%, कितने रुपए का? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बेटे सिंपल सी बात है, हमारा पोजीशन कौन सा है? लॉन्ग। तो हमको क्या लगता है कि रेट क्या होना चाहिए? सर रेट तो कम होना चाहिए तभी तो फायदा होगा। नहीं, लॉन्ग पोजीशन है मतलब रेट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए तब फायदा। ठीक है, अच्छा कब के लिए वेटिंग हुई है जरा बात करना। आज से, ये आज से 6 महीने बाद, ये 9, तो मतलब कितने मंथ के लिए वेटिंग चल रही है? 3 महीने। आज से 6 महीने बाद 3 महीने के लिए। ठीक है, और बोल रहा, अब देखो, अब ध्यान से पढ़। ऑन फिक्सिंग रेफरेंस रेट दैट इज माइबोर, इस बार माइबोर में वेटिंग हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन फिक्सिंग डेट मतलब फिक्स कौन सी डेट के लिए हुआ था? यहां बोले यहां की डेट के लिए माइबोर क्या हो गया? बोले यहां से अगर 3 महीने के लिए तो रेट हो गया 5.5%, अगर यहां से 6 महीने के लिए तो रेट हो गया 5.7%, और यहां से 9 महीने के लिए रेट हो गया 5.85%। हमारी जो बैटिंग हुई थी वो हुई थी आज से 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद 3 महीने के लिए रेट है 5%, 6 महीने बाद 5.7 है, और 6 महीने बाद 5.85 है। ये 3 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये 9 महीने के लिए, जबकि हमने बैटिंग किया कितने के लिए? सिर्फ 3 महीने के लिए। तो ये रेट और ये रेट हमारे काम का नहीं है, इसे भी ये रेट हमारे काम का। और पोजीशन क्या थी हमारी? लॉन्ग, बढ़ने से फायदा। और वाकई रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो FRA बैंक अब TM फिन कॉर्पोरेशन को पेमेंट करेगा। तो अब आपसे क्या पूछा है जरा, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजन क्या है, तीन तीन रेट दिया है तो बच्चे उलझ सकते हैं कि यार ये तीन रेट क्या दिया, इसमें से दो रेट तो कोई काम के नहीं। ठीक है, तो देखो जो TM फिन कॉर्पोरेशन है, TM फाइनेंस कॉर्पोरेशन, TM उसने बाई किया है 6 × 9, 6 महीने बाद, कितने पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए, 5.25। बाय का मतलब अपसाइड बैटिंग, लॉन्ग पोजीशन, इससे बढ़ेगा तो फायदा। कितने करोड़ रुपए बैटिंग हुई थी? 100 करोड़। और बोल रहे क्वेश्चन में लिखा, बोले रेफरेंस डेट, ये वाली डेट है जिसपे इस डेट के लिए फिक्स हुआ ना, बोले जब हम इस डेट पे पहुंचे तो रेट 5.5 था, पर ये 3 महीने वाला रेट था, ये 5.6 महीने वाला और ये 9 महीने वाला, तो ये रेट हमसे मतलब नहीं, क्योंकि हमारी बैटिंग तो इस पे हुई थी, और ये वाकई ज्यादा है, इससे तो ज्यादा है, तो हम जीत गए। कौन किसको फायदा हुआ? सर TM फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फायदा हो गया। तो पहला वही बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस टू TM फिन कॉर्पोरेशन इन टर्म ऑफ बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है परसेंटेज में बताइए कि कितने का फायदा हुआ। तो चलो काम करते थे, पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू TM फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिखवाते हुए चल रहा हूं, हालांकि प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा नहीं है। TM फाइन कॉर्पोरेशन बाय FRA 6 × 9 एट 5.25% एंड इट मैक्स प्रॉफिट वहन
इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ फॉर 3 मंथ इज ग्रेटर देन 5.25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ फॉर 3 मंथ कितना हो गया 5.50%। हेंस प्रॉफिट टू TM Finance Corporation 5.5 minus 5.25 कितना आ गया 0.25% का प्रॉफिट, या फिर क्या बोल सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स। 1% का 100 बेसिस पॉइंट्स होता है, तो 0.25% मतलब 25 बेसिस पॉइंट्स का फायदा हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, सेटलमेंट अमाउंट, तो सेटलमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर बी कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट। अब सेटलमेंट अमाउंट कौन किसको पे करेगा, तो एफआरए बैंक FRA bank will pay to TM Finance Corporation। कब पेमेंट होगा, यहां होगा आज से 6 महीने बाद। तो सेटलमेंट अमाउंट लेते, सेटलमेंट अमाउंट कितने रुपए का लोन था, 100 करोड़, 100 CR, कितना डिफरेंस 0.25%, आपको पता है कहां से आया, कितने मंथ का, 3 मंथ्स नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या लिखा, डेज में कैलकुलेट, उसने बोला एज्यूम 360 दिन इन अ ईयर, एक साल में 360 दिन लेना है। अब यार प्रॉब्लम ये है कि 3 महीने में कितने दिन हुए, तो किसी कोई दिन होता है 30 का, कोई दिन होता 31 का, तो प्रैक्टिस मैनुअल ने क्या किया है, बोला देखो हमारा जो है ना लिबर वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं होता, कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। कैलेंडर ईयर मतलब स्टार्ट कहां से होता है, जनवरी, तो यहां से मार्च, और मार्च से 3 माह बाद पकड़ लो, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो ये हो गया 3 महीने वाला, ये हो गया 3 महीने वाला, तो ये 3 और ये 3 छह, और 6 माह बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त का 90 31, और फिर आपका 30 31 31, ऐसा करके उसने 92 डेज लिया, ले सकते हो। पर अल्टरनेटिव उसने कहा कि आप 90 दिन भी ले सकते हो, और हम 90 दिन ही लेंगे, हम क्यों बेकार के इस झंझट में पड़े। तो सीधा सीधा 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 divided by 360 लेना है, 360 लेना है, ये बताया प्रैक्टिस में, डिवाइडेड बाय। अब डिस्काउंटिंग किससे करोगे, तो बोलो यहां रेट क्या हो गया 5.5%, तो 5.5% से डिस्काउंटिंग होगा, तो देख लेते डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आएगा, 5.5 × 3/12 / 100+1, 5.5 × 3/12 / 100+1, तो ये आ गया 1.01375 × 100 × 0.25% × 90 / 360 / 1.01375 और 100 करोड़
बेटे ये आ गया 100 करोड़ का आंसर 0.2563616522268 6165228 लैक्स में देख लेते हैं। 1 करोड़ मतलब 100 लाख, तो 100 × 100 ये आ गए, इंटू 0.25% इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 1.01375 इंटू 1 लाख 6165 22, इसको 23 ले लेते हैं, दैट्स इट। तो ये आ रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अल्टरनेटिव आप यहां 92 डेज से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये जो अभी किया, ये किया आपने एफआरए, किसके एंगल से किया, हेजर्स। अब अगला जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर बी, एफआरए फॉर आर्बिट्रेजर, वो मैं आपको करवाऊंगा।